उनके चैनल की और वीडियोस की जो मैच्योरिटी है वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अगेन वेलकम टू माय चैनल ऑन वीडियो डायरीज़, और मैं हाज़िर हुई हूँ एक बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। एंड तक ज़रूर कीजिएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। आज मैंने डिस्कस करना है आमना के बारे में, लाइफ विद आमना, और उनके चैनल की और वीडियोस की जो मैच्योरिटी है वो तो मुझे कहीं नज़र नहीं आती किसी और की वीडियोस में। तो अब रिसेंटली देखें ना, हुमैरा जी की भी मतलब इफ्तारी हुई लड़की वालों की तरफ, फिर लड़के वालों ने भी की, वो मज़ा नहीं आया। लेकिन आमना के घर यानी कि लड़के वालों की तरफ जब इफ्तारी हुई तो इतना ढेर सारा बड़ा मेन्यू आमना ने ख़ुद तैयार किया, लेकिन एक दफ़ा भी नहीं कहा कि इतना सारा काम मैं ख़ुद कर रही हूँ, मेरा अभी बहुत काम है मतलब। और मेन्यू में कुछ भी नहीं था उनके हुमैरा के, लेकिन आमना के मेन्यू में देखे तो अच्छा खासा बड़ा मेन्यू था, जिसमें उन्होंने पालक भी बनाई, पालक चिकन बनाया, और दम बिरयानी भी बनाई, पुलाव भी बनाया, ट्राइफल भी बनाई, और इसके अलावा बारबेक्यू भी था, सीख कबाब भी थे, और जी बहुत कुछ था, जैसे कि उन्होंने इमली की चटनी बनाई, और इसके अलावा उन्होंने फ्रूट चाट भी बनाई, क्रीमी चाट भी बनाई, मतलब एक बहुत बड़ा मेन्यू। और ड्रिंक्स में भी उन्होंने मार्गरेटा बनाया, जामी शरीन बनाए, लस्सी बनाई, चटनियों में भी मतलब पुदीने की भी थी और केचप भी था, और मतलब जो वो बना सकती थी उन्होंने बनाया। और रिवायात के मुताबिक जैसे हुमैरा के घर तो आ गई थी माही, लेकिन बात ये कि आमना के वीडियो को देख के वाकई में अंदाज़ा होता है कि रिवायात को उन्होंने सही रखा हुआ है, क्योंकि लड़की नहीं गई थी लड़के वालों की तरफ, सिर्फ उसके घर वाले थे। और वापसी पे जब वो जाने लगे तो इन्होंने उनके हिस्से का खाना पैक करके लड़की के घर पहुंचा दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है, और हुमैरा जी को देखना चाहिए कि सिर्फ व्लॉग बनाना नहीं होता, उसे तरतीब कैसे देनी है ये देखना होता है। जब देखो वो गीगा मॉल पहुंची होती हैं, खैर गुजरांवाला में तो खैर इतने बड़े मॉल्स हैं नहीं, और यहाँ आके वो बस उन्हें लगता है मैं तो यूरोप में आ गई। तो खैर उन्हें भी इंजॉय करने का पूरा हक है, इंजॉय करें, आइसक्रीम्स खाएँ। अच्छा देखिए, बात ये कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ ना, मैं किसी के बारे में बात करना चाहती हूँ, लेकिन ये है कि प्लीज़ शो ऑफ का अंसर नहीं होना चाहिए। सादगी में जो मज़ा है वो शो ऑफ में नहीं है, क्योंकि सादगी में जो नज़र आ रहा होता है वही अच्छा लगता है, लेकिन शो ऑफ में फिर अगला बंदा एक्सपेक्ट करता है कि हमें जो दिखाया जा रहा है वैसा ही नज़र आते रहना चाहिए आगे तक, लेकिन वो फिर आपको पता है झूठ के पाँव होते नहीं और वो फिर चीज़ गड़बड़ चलती है। तो अब हुमैरा को चाहिए कि वो ज़रा से कुछ होश के नाखन लें और मेच्योर बन के जो भी वीडियोस बनानी है, व्लॉग्स बनाने हैं, वो बनाएं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।